राष्ट्रीय नारायणी सेना के लोगों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा और प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग राष्ट्रीय नारायणी सेना के लोग हैं। इनकी मांग है कि बीपीएल एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को आरक्षण दिया जाए, श्री राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, किसानों के लिए 5,000 मासिक पेंशन योजना चलाई जाए और यदि किसी किसान की आकस्मिक मौत हो जाए तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, महिलाओं को समानता का अधिकार हर क्षेत्र में 50% दिया जाए, देश के प्रत्येक कॉन्वेंट एवं प्राइवेट स्कूलों में 30% गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अपनी इन 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन लोगों ने आज प्रधानमंत्री को संबोधित एडीएम को सौंपा। डीएम साहब के यहाँ आके एक अपना ज्ञापन दिया हुआ है, इसमें हमारी कुछ 5 सूत्री मांगे हमने उन्होंने रखी है सरकार से। एक तो पहला हमारा है कि बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को आरक्षण दिया जाए। दूसरा हमारा है श्री राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तीसरा हमारी मांग है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, देश के हमारे अन्नदाता हैं, वो आज जो है आत्महत्या करने पे आज आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनके लिए हम किसानों के लिए पेंशन योजना की मांग करते हैं, मासिक 5,000 रुपये की। और अगर उनके घर में किसी की मौत हो जाती है आकस्मिक, तो उनके परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। और हमारा एक लास्ट पांचवा हमारा मांग ये है सरकार से कम जो समानता के अधिकार की बात करती है सरकार, तो उनसे हमने बात करी है कि कम से कम जो हमारी महिलाएं हैं उनको 50% हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए।